वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स, क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने डिसक्वालिफिकेशंस की बात करी थी, इस वीडियो में क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ए चार्टेड अकाउंटेंट इंडिविजुअल और अ फर्म वेयर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर चार्टेड अकाउंटेंट्स कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, एक इंडिविजुअल पॉइंट दे रखा है कि चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए जो होगा, चाहे वो इंडिविजुअल या फर्म जहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिसिंग कर रखी है एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, वो यहाँ पे ऑडिटर कहलाएगा, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिटर अगर आपको अपॉइंट होना है, चाहे वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी हो, तो एक क्वालिफिकेशन है जिसको बोलते हम चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो होना ज़रूरी है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है। और ऑडिटर एज ए ऑडिटर यहाँ पे आपको चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए आपको बनना ज़रूरी है। जब कोई पर्सन सीए होता है तो एज अ क्वालिफिकेशन उसके ऑडिटर की कंप्लीट हो जाती है, और एक सिंगल क्वालिफिकेशन है ये, इस चीज़ को गेट करके कोई भी पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या कोई भी फर्म ऐसा ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है जहाँ पे मेजॉरिटी है किसकी है, चार्टेड अकाउंटेंट की है। तो क्वालिफिकेशन के पॉइंट को देखा जाए तो चार्टेड अकाउंटेंट कंट्री के अंदर यहाँ पे ऑडिटर की क्वालिफिकेशन रखता है। वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी ओनली द पार्टनर हु आर चार्टेड अकाउंटेंट। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात की जाए, वो भी एक अपॉइंट हो सकती है एज एन ऑडिटर, लेकिन वो भी उसमें जो पार्टनर होने चाहिए वो भी चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं अगर उसको ऑडिटर आपने अपॉइंट करा है तो वो चार्टेड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। चार्टेड अकाउंटेंट अगर नहीं होंगे तो एज अ ऑडिटर किसी भी कंपनी के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते। तो पार्टनर्स क्या होने चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए होने चाहिए, एक क्वालिफाई होने चाहिए, एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री से या क्वालिफाई होने चाहिए जो आईसीएआई प्रोवाइड कराती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक इंस्टीट्यूट है जो एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है जो सीए करवाती है, और इनके द्वारा चार्टेड अकाउंटेंट यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो यहाँ पे बनते हैं। तो एज एन ऑडिटर अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से हो तो भी जो पार्टनर्स है वो भी चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, शैल बी ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और ये वो ही पर्सन होता है जो ऑथराइज बनकर काम करता है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी कि क्वालिफिकेशन क्या है ऑडिटर की, और इस वीडियो में समझा कि चार्टेड अकाउंटेंट या सीए क्वालिफाई होता है किसी भी कंपनी का एज एन ऑडिटर, ये डिग्री उसके पास होना ज़रूरी है, ये स्टेटस उसके पास होना ज़रूरी है, तभी वो किसी भी कंपनी का ऑडिटिंग प्रैक्टिस कर सकता है। थैंक यू।